गुड मॉर्निंग चैम्पियंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड वेल प्लेइंग एट योर होम. माई डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास टुडे, सो ब्रिंग योर हिंदी बुक ऑन स्कीम मोती. माई डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 की रिवीजन. चैप्टर नंबर 19 है मीठे बोल. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिसरी सी घोलो. जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो. हमें जब भी बोलना चाहिए तब हंसकर बोलना चाहिए, और ऐसे बोलना चाहिए जैसे हमारी बातों में मिसरी घुली हो. हमें जब भी बोलना चाहिए सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. जब बोलो तब झुककर बोलो, सोच समझकर रुककर बोलो. हमें जब भी बोलना चाहिए झुककर बोलना चाहिए, और कोई भी बात बोलने से पहले उसे रुककर और सोचकर बोलना चाहिए. ठीक है बच्चों, ओके. हंसकर मन की गांठें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो. हमें हंसकर अपने मन की गांठें खोलनी, हमारे मन में जो भी बात है हमें शेयर करनी चाहिए. ठीक है, और जब भी बोलना चाहिए हंसकर बोलना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट, समझ आया? इस पोएम में बताया गया है हमें जब भी बोलना चाहिए हंसकर प्यार से बोलना चाहिए, और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. और हमें जब भी अपने बड़ों से या छोटों से बात करनी हो तो आराम से सोच समझकर और झुककर उनके सामने बोलना चाहिए. ठीक है, हमारे मन में अगर कोई भी बात है तो हमें उसको शेयर करना चाहिए, अपने मन में कोई भी बात को छिपाना नहीं चाहिए. ठीक है स्टूडेंट, लेट्स डू बैक साइड. ओके, ये है बैक एक्सरसाइज. हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? मिश्री जैसी. हमें कैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए? रच रच. ठीक है, हमें रच रच नहीं बोलना चाहिए. मन की गांठें कैसे खोलनी चाहिए? हंस कर के रुक कर. कैसे खोलनी चाहिए? हंस कर. नेक्स्ट है हमें कैसे बोलना चाहिए? सोच समझ कर के लड़ झगड़ कर. हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए. ठीक है, लड़ झगड़ कर थोड़ा ना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए? सोच समझ कर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है चित्रों को देखकर शब्द सीढ़ी पूरी करो. किया था ना पहले भी, हंसना ना कुआ व नाव का बाकू की मात्रा तरह क्या बना? कबूतर. क्या बना? कबूतर. ये क्या है? थर थर मासा मस. क्या बना? थर्मस. सड़क. क्या बना? सड़क. ठीक है बच्चों, आपने ऐसे ही ये शब्द सीढ़ी पूरी करनी है. ओके, ये क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने हैं और बुक रीडिंग भी करनी है इस चैप्टर की. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.